इंदौर में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे लिस्टेड बदमाश को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 2000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी पिछले एक माह से आरोपी छिंदवाड़ा और उसके आसपास इलाकों से फरारी काट रहा था। दरअसल मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर चौराहे पर वाइन शॉप के बाहर चाचा भतीजे के ऊपर पुरानी रंजिश के चलते चाकुओं से हमला कर दिया था। यहां घायल अवस्था में सावन नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी कालू और कला को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं मुख्य आरोपी अनिकेत फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी छिंदवाड़ा जिले में फरारी काट रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शुक्रवार की शाम को उसे घटनास्थल पर लेकर पहुंची। यहां बदमाश आमजन और पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आ रहा है। देखिए, पिछले माह 20 तारीख की ये बात है, जब परदेसीपुरा वाइन शॉप के पास में तुलसी कॉम्प्लेक्स में एक रोड पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहां एक सावन शुक्ला नामक व्यक्ति का एक अनिकेत और उसके साथी के साथ झगड़ा हुआ था। मौके पर चाचा भतीजे को अनिकेत और उसके साथी ने चाकू छुरी से मारपीट की थी। इस मामले में अल सुबह सावन शुक्ला नामक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में हमने तत्समय अपराध धारा 307 और उसके बाद 302 IPC का पंजीबद्ध कर लिया था और इसकी विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी राज उर्फ काला को उसी दिन में ही हमने गिरफ्तार कर लिया था और उससे आला जरब भी बरामद कर लिया था। और इसी प्रकरण में काफ़ी समय से अनिकेत उर्फ पुत्तू आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन लगातार ली जा रही थी और इसकी जो है हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था। इसी दौरान जब पिन पॉइंट सूचना मिली कि छिंदवाड़ा में कहीं है, तो अपनी टीम भेजकर हमने छिंदवाड़ा से इसे पकड़ा और इसको थाने लेकर आए। आरोपी को गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की गई और इसकी निशादेही से हमने चाकू भी जब्त कर लिया है। और इस मामले में आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त जोन 2 ने 2000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी और आज शाम को हम इस आरोपी को उस स्थल पर भी लेके गए जहां पर इसने घटना कारित की थी और इसने पूरा स्पॉट वेरीफाई कराया है। और अब इस प्रकरण को इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।